नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टेशन ऑफ एजुकेशन। आप इसको ड्यूअल स्टार्टर देख रहे हो, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर टाइप MK1। ये इसके इंटरनल स्विच हैं, एक NO और एक NC, ठीक है। ये स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन, अभी ये जो सिस्टम है इसके द्वारा ऑपरेट होता है। हम चाहते हैं एक्सटर्नल बटन के द्वारा इसको ऑपरेट करना, एक NO और एक NC के द्वारा। हम इन स्विचों को बाहर लगाना चाहते हैं, इन पुश बटनों को बाहर लगाना चाहते हैं, उनके द्वारा इसको ऑपरेट करना। तो मैंने जितना कम से कम टाइम आपका लेना है उसमें इस सर्किट को कंप्लीट करके आपको बताऊंगा। आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखो, आपको क्लियर समझ में आएगा। जिसको आता है बहुत अच्छा है, जिसको नहीं आता उसको इस वीडियो के बाद आने लगेगा, क्लियर। और कोई डाउट इसमें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप हमारे चैनल स्टेशन ऑफ एजुकेशन पर आरएलसी सर्किट, रिले कंट्रोल सर्किट और पीएलसी सर्किट, दोनों ही प्रकार के सर्किट मिलेंगे। और आप हमें नए सर्किट और नए पैनल बनाने के लिए दिल्ली NCR में कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कांटेक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो दोस्तों, आपका टाइम ना खराब करते हुए हम सीधा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हम NO और NC देख लेते हैं। अभी क्या है, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है और यहाँ से स्टॉप होता है, ठीक है। इसके रिले के नंबर देख लेते हैं। ये इसके रिले के नंबर आप देख पा रहे हो तो 93, 94, ये NO है, और 96, 95 NC, ठीक है। इसके द्वारा कनेक्शन करेंगे हम। तो मैंने यहाँ इनको दिखा दूँ, ये NO एलिमेंट और ये NC एलिमेंट, स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए। इसका कनेक्शन कैसे, मैंने वायरों को लगा रखा है जिससे आपका टाइम कम से कम हो सके। इसमें एक वायर लेंगे हम, ये हमने मेन वायर लिया इसका, आपको क्लियर करके देखो आप। ये मेन वायर, इसका कनेक्शन करने वाला हूँ मैं, यहाँ लगाया और इसी से एक लूप दे दिया NO में, ठीक है, आप देख पा रहे हो। और ये हमारा जो है स्टॉप के लिए, यहाँ से होल्ड रहेगा, और ये स्टार्ट के लिए, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम इसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा NO है इसका, कॉन्टेक्टर का, इसको मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। और ये यहाँ लूप लगा हुआ है NC से NO पर, ठीक है, जो मैंने बाहर दिखाया था। पहले इसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमने इसको डिस्कनेक्ट कर लिया है यहाँ। ये वायर हमने यहीं से ले लेंगे कनेक्शन, नीचे से नहीं लगाएंगे, बस लूप करना है। और ये फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉयल का फर्स्ट टर्मिनल और ये सेकंड टर्मिनल। तो मैं इसको यहाँ डायरेक्ट दे देता हूँ, एक फेस हमारा डायरेक्ट रहेगा। ये पहले जैसा लगा हुआ था वैसा ही है, ये यहाँ स्टार्ट था हमारा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये जो हमने वायर लेना है यहाँ, इसकी NC यूज करनी है रिले की, ठीक है। अगर रिले हमारी ट्रिप होती है तो सर्किट ऑफ हो जाए, ठीक है दोस्तों। और हमें कॉन्टैक्टर का NO यूज करना है जिससे हमारा ये होल्ड रहे। तो दोस्तों, हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। कनेक्शन को समझाएंगे पहले। इस कॉयल में इस वायर को यहाँ से डायरेक्ट दे दिया, ये 440 की कॉयल है। तो एक वायर डायरेक्ट आ रहा है कॉयल के लिए, दूसरा वायर यहाँ से हमने एक NC एलिमेंट लिया, उसमें फेस दिया, यहाँ तक फेस आ रहा है। यहाँ से एक फेस को हमने होल्डिंग के लिए कॉन्टैक्टर के NO पर, ये हमारा कॉन्टैक्टर का NO है, ठीक है। और आप अच्छे से समझ पा रहे हो ना,
मैंने ज़्यादा वायर का यूज नहीं करा, पुराने वायरों को सबको निकाल दिया जिससे आप आसानी से समझ सकें, ठीक है। मैन आया, यहाँ फेस आ रहा है एक, यहाँ से हमने एक लूप एनओ के लिए ले लिया और एक कॉन्टैक्टर के एनओ के लिए जो होल्ड कर रखेगा इसको, ठीक है। इससे हमने क्या करा, ये वायर यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है इसकी एनसी पर, हम यहाँ से भी स्टॉक कर सकते हैं और रिले ओवरलोड होने पर यहाँ से ट्रिप होकर सर्किट ऑफ हो जाएगा, इसलिए हमने इस एनसी का यूज करा है, ठीक है। रिले की एनसी है ये, तो यहाँ से हमने सीधा यहाँ कॉइल पर दे दिया। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे होल्डिंग के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के एनओ से चलेगा, यहाँ से यहाँ सप्लाई आएगी और रिले को सप्लाई चली जाएगी एनसी इसके सीरीज में, ठीक है। जैसे ही मैं इस एलिमेंट को प्रेस करूँगा, यहाँ देखना ये ऑपरेट होगा, जैसे ही करा ऑपरेट हुआ, और जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा ये ऑफ होगा, ठीक है, देख पा रहे हो, ऑन ऑफ, ठीक है। ऑन ऑफ अभी ऑन है, और मैं इसकी रिले की एनसी दबाता हूँ, ये देखो ऑफ ऑफ हो गया। तो ये हमारी ये भी सीरीज में है, और स्टॉप और स्टार्ट पुश बटन हमने एक्सटर्नल बटनों से इसको ऑन कराया है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपको हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अभी तक हमारा चैनल स्टेशन ऑफ एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल से जुड़ी सभी प्रकार की वीडियो के लिए। थैंक यू दोस्तों।